ये संतोष सुनकर की नॉनवेज की दुकान है दोस्तों। ये मुर्गा और मछली के गोश्त को तलकर बेचते हैं दोस्तों। इनका नॉनवेज फूड आइटम बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है दोस्तों। इनके फूड शॉप पर बड़े दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। आज चलिए इनके दुकान का ही हम लोग नॉनवेज फूड आइटम का टेस्ट लेते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष सोनकर। संतोष सोनकर, कब से अपना मतलब लगा रहे हैं? ये 3 महीना हो गया। 3 महीना। क्या क्या बेचते हैं आप? मुर्गा, मछली, पथरी, कलेजी, चिकन फ्राई है। मतलब जो है कि ये जो है कि नॉन वेज है, नॉन वेज ही बेचते हैं? हाँ, नॉन वेज। जैसे मछली मुर्गा सब बेचते हैं जी? अच्छा, मछली कैसे बेचते हैं? मछली बेचते हैं 80 रुपये पाव। और मुर्गा? मुर्गा भी 80 रुपये पाव। सब तल के बेचते हैं फ्राई करके? तो कैसा मतलब यहाँ का चल रहा है, मतलब जैसे आपका फूड आइटम कैसा चल रहा है? चल रहा है ठीक ठाक, चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है। तो ये मछली मछली रखे हैं काट के? हाँ, मछली काट के रखे हैं। पथरी कलेजी है। ये क्या भैया? ये मुर्गा है, लेग पीस। लेग पीस फ्राई करके 80 रुपये पाव देते हैं। अच्छा, इसको फ्राई करके 80 रुपये पाव। हाँ। तो ये संतोष जी हैं, संतोष शंकर जी हैं। 3 महीने से ये दुकान खुला हुआ है और जो है कि बहुत बढ़िया मतलब जो है आइटम बेचते हैं नॉन वेज। और जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर मछली मुर्गा सब मिलता है। तो जो है कि ये सब तरह का मतलब फ्राई, मतलब खास तौर से जो है कि मुर्गे का टांग लेना हो, कलेजा लेना हो, या मतलब जैसे कलेजी से करते हैं, मछली का भी मतलब डिश लेना हो तो यहाँ पर तल के बेचते हैं। 80 रुपये का एक पाव बेचते हैं ये। कौन सा तेल प्रयोग करते हैं भैया? सलोनी। सलोनी प्रयोग करते हैं। ये जो मुर्गा तल के बाहर निकाल रहे हैं जैसा देख रहे हैं, तो संतोष जी मतलब कुछ भी हमको भी मछली आप जो है तल के चखाइए और देखते हैं कैसा आपका है मतलब बनाने का तरीका है, कैसा है, बढ़िया है, कैसा है, आप किस बार बनाते हैं? ले ले। तो ये आ गया, ये मछली है दे रहे। ये मछली कट के आ जाएगा आपका सामने। और ये तल रहा है आपका। आपका कितने देर में तल जाता है ये? 7-8 मिनट लगता है। अच्छा, तो ये तल के तैयार हो गया आपका, अभी निकालेंगे अब। और ये जो हरी चटनी है उसका ये सब डाल के मतलब भी देते हैं। और ये पूरा मतलब मसाले का जो मतलब आइटम पड़ता है, कौन सा मसाला डालते हैं भैया आप? इधर दिखाइए। इसमें जीरा है, गुलमिर्च है, धनिया है, लाची है, लवंग है। अच्छा, अच्छा। काला नमक है, चाट मसाला है, जलजीरा पाउडर है। चलिए एक से बना के दिखाइए। ये मछली है। मछली है। अच्छा, इसका देने का तरीका दिखाइए जरा सा। ये चाट मसाला है। ये चाट मसाला डाल दिया, आप क्या डालें? ये जलजीरा पाउडर है। अच्छा, ये पूरा मसाला है। अच्छा, ये वाइट नमक है। अच्छा, ये धनिया हो गया। अच्छा, इसको पूरा मिक्स करते हैं फिर ये हरे रंग की चटनी आती है आपकी। इसमें धनिया, मिर्चा, लहसुन, अदरक, पुदीना सब मिला हुआ है। सब मिला हुआ है। ये प्याज आ गया। अच्छा, प्याज कुछ डालते हैं जी। तो ये संतोष जी का डिश है, मछली की डिश है। चलिए इसको खाते हैं, देखते हैं किस बार स्वाद है। ये कौन सा स्थान है इससे? ये मंडवाड़ी सिवदासपुर है। अच्छा, उसी के पास ही लगाते हैं जी, सामने लातारा रोड पे। अच्छा, लातारा रोड पर आपका? हाँ, लातारा रोड मुख्तार कबाड़ी वाले के सामने। तो ये बन के इनका डिश आ गया जैसा देख रहे हैं। और खासतौर से जो है कि
जितना आइटम डाले हैं बहुत बेखुश डाले हैं और मस्त है। अब किस तरह का स्वाद है इसको देखते हम लोग हैं। कैसा स्वाद भैया? स्वाद इसका बढ़िया है। जो बना रहे हैं बस कैसा डिश है? तड़के बहुत बढ़िया है, मसाले का स्वाद बहुत बढ़िया है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मतलब जो मतलब बना रहे हैं बढ़िया डिश बना रहे हैं? अच्छे ढंग से बना रहे हैं। अच्छा, अच्छे ढंग से बना रहे हैं। ये इनका भैया डिश है, ये देखिए। और ये जो है कि आपका और ये काट बनाया है, तेल में तल के बताए बनाया है। और थोड़ा सा आपके देखते हैं किस बात का स्वाद है इसका, चखते हैं इसको हम। स्वाद बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है। और कहने का मतलब जो संतोष जी जो बना रहे हैं खासतौर से मुर्गे का या मछली का स्वाद इसमें बहुत लाजवाब है। और खास खास तर मतलब जो तल में जो फ्राई करते हैं वो भी तेल का भी जो प्रयोग करते हैं बहुत बढ़िया प्रयोग करते हैं। इसलिए कभी भी अगर खाना हो तो आप जो है कि लताड़ा रोड पर ब्लॉक के पास अगर आएंगे तो आपको जो है कि इनका मतलब दुकान मिल जाएगा। और अभी हाल में खोले, लेकिन जो बनाने का इनका डिश की प्रक्रिया है बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त बहुत बढ़िया है। कभी भी आना हो तो एक बार जो इनकी दुकान पर आइए, बहुत बढ़िया डिश बनाते हैं। एकदम पक गया है ये, ऐसा देखने में लग रहा है आपको, और इसका स्वाद ही बहुत बढ़िया है। जरूर आइए एक बार इनकी दुकान पर, जो इनकी दुकान पर आइए और इनके जो है कि मछली का और जो मुर्गे का फ्राई पीस लीजिए और खाइए, मज़ा आ जाएगा। मुर्गे का और मछली का जो है फ्राई पीस लीजिए और बहुत खाने बहुत मस्त है। और एक बार जरूर दुकान पर आइए, संतोष जी के संतोष सुनकर इनका नाम पूरा है, आइए और खाइए, मज़ा लीजिए, बहुत मस्त बनाते हैं। बगल में इनका घर भी है। आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अपने दोस्त धर्मराज सिंह को आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।